सो गाइज यस वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फाइनली हमारी ट्रैवल सीरीज होती है आज से शुरू। अभी हम जा रहे हैं अमृतसर सबसे पहले, और अमृतसर के बाद हम जाएंगे जलंधर, उसके बाद जाएंगे कहाँ वो आपको लगता जाएगा पता। बैक टू बैक काफ़ी हैक्टिक ट्रैवल होने वाला है, बिकॉज बैक टू बैक काफ़ी ट्रैवल है। जब तक हम बॉम्बे घूम के नहीं आते, कंटिन्यूसली विल बी ऑन ट्रैवलिंग ओनली। अभी बज रहे हैं सुबह के 3, और हमारे साथ हुआ है बहुत बड़ा पोपट, बिकॉज हमारी जो फ्लाइट थी वो थी मुंबई टू अमृतसर सुबह 11 बजे की, जो कि खुद रीशेड्यूल होके हो गई सुबह की 6 बजे। तो हमें घर से निकलना पड़ रहा है 3 बजे ताकि हम टाइमली एयरपोर्ट पहुंच जाए, एंड सामान जो है पूरा ऑलरेडी पैक हो चुका है एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। आपको सामान की तरफ एक बार नज़र दिखाते हैं क्या है। चलो गाइज, कैब अपनी आ गई है, सामान रखती है। अब नेहा के मम्मी पापा को पिक करते हैं, उनकी कैब भी आने वाली होगी, देन निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। शनाया इज अवेक, तो नेहा ने सोचा उठ ही गई है तो उसका मैनीक्योर कर देते हैं तब तक। एक्चुअली उसको हमने मिटन नहीं पहना है और उसके नेल्स बहुत बड़े हैं, तो सोचा जब तक पहुंच रहे एयरपोर्ट तब तक उसके नेल्स थोड़े ट्रिम कर देते हैं। गाइज हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे आप भीड़ देखो, पूरा एयरपोर्ट इज फुल। हमें लगा हम लोग ही इतना अर्ली फ्लाइट है, पर काफ़ी लोग अर्ली फ्लाइट लेके जा रहे हैं। सो गाइज वी आर फाइनली एट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हम ट्रैवल कर रहे हैं ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन अ ईयर। लास्ट मार्च में हमने ट्रैवल किया था, बिफोर आई गॉट टू नो आई वाज प्रेग्नेंट, एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में ट्रैवल किया ही नहीं। और अब हम ट्रैवल कर रहे हैं शनाया के साथ, तो शनाया की भी फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड, बट इस बार काफ़ी नर्वस भी हूँ, बिकॉज शनाया का फर्स्ट ट्रिप है। सो वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि उसके लिए बहुत कम्फर्टेबल हो, एंड यू नो एवरीथिंग लाइक इट्स ईजी फॉर हर, एंड वो बीमार ना हो या उसे कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। तो बस उसी का स्ट्रेस है थोड़ा सा, अभी काफ़ी स्ट्रेस है। सामान भी काफ़ी ज़्यादा हो गया शनाया का, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन एनी थिंग, जो भी उसको लग सकता है, जो भी ज़रूरत हो सकती है। तो काफ़ी सामान हो गया है, बट थैंकफुली एक्स्ट्रा वेट नहीं होना पड़ा, तो वी कैलकुलेटेड एंड वी केम, अपना सामान काफ़ी कम कर दिया हमने। तो या लेट्स सी हाउ द ट्रिप गोज, एक्साइटेड बट सुपर नर्वस, कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब अच्छे से हो जाए। एंड इट्स अ हेक्टिक ट्रिप, इट्स गोना बी थोड़ा हेक्टिक, काफ़ी फंक्शंस लाइंड अप है, काफ़ी ट्रैवल लाइंड अप है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पर इट्स ऑल्सो गोना बी लॉट ऑफ फन, और हम आपको दिखाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आर जर्नी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, देन गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, सो दैट आप नॉर्थ ट्रिप का कोई भी वीडियो मिस ना करो। चले शनाया, सो शनाया इज ऑल सेट टू गो, ऑल्सो बी इन शनाया आर ट्रेनिंग टुडे। सो गाइज चेक इन इज डन, 12.5 किलो एक्स्ट्रा वेट आ रहा था हमारा, लेकिन कैसे ना कैसे जुगाड़ करके हमने पूरा वेट इक्वल कर दिया अपने हैंड बैगेज का, इधर उधर करके थोड़ा कन्विंसिंग पावर यूज़ करके कि शनाया की फर्स्ट फ्लाइट है यार, इतना चार्ज ना करो। तो बट दे वर रियली गुड, उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ था तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया। सो ऑल डन। तो गाइस चेक इन इज़ डन, और हमें लगे अराउंड 45 मिनट चेक इन में, क्योंकि बहुत भीड़ थी सिक्योरिटी चेक इन में, चेक इन तो हो गया था जल्दी। तो यस अभी जाते हैं अपने गेट की तरफ। सुबह सब लोग गाइस ऐसे निकल गए थे, किसी ने कुछ नहीं खाया था, तो सोच रहे कॉफ़ी पी लेते हैं फ्लाइट में चढ़ने से पहले। गाइज नेहा और मम्मी आएंगे चाय पी के, और मैं और पापा जा रहे हैं इस राइड पे, क्योंकि शराया थी तो मैं नहीं गया। ये जो व्यू है ना, ये बहुत मिस किया मैंने पिछले एक साल,
क्योंकि कोई ट्रैवल नहीं किया हमने एक साल से। शनाया, आज ना आपका फर्स्ट फ्लाइट है, कैसा फील हो रहा है आपको? हेलो, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा फील हो रहा है, आज फर्स्ट फ्लाइट है आपका? हाँ, सो गाइज वी आर इन द फ्लाइट राइट नाउ। फ्लाइट फुल भरी पड़ी है, फुल मतलब एक भी सिंगल सीट खाली नहीं मिलेगी आपको। फ्लाइट इज फुली पैक्ड, 6 AM फ्लाइट टू अमृतसर एंड फुली पैक्ड। सोती रहे तो बेस्ट है। फाइनली लैंडेड इन अमृतसर और अभी वो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा कि जल्दी जल्दी उतरने वाला कि मुझे जल्दी उतरना है, मुझे जल्दी, मैं दिखाता हूँ। Landed at Amritsar Airport. Flight बहुत ही अच्छी रही। शनाया kept sleeping the entire flight, तो कोई इशू नहीं हुआ और रोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। दो जब टेक ऑफ हुआ था तो वी मेड श्योर डेट वी फीड हर, एंड उससे पहले हमने उसको नहीं दिया था, तो शी वॉज इजली फीडिंग एंड देन शी स्लेप्ट एंड उसके बाद तो सोती रही, और अब सीधा लैंड हो गया तो अब वो उठी है। सो या गुड, द फर्स्ट फ्लाइट वॉज ग्रेट, एंड अब चलते हैं अमृतसर में एंड लेट्स सी क्या करते हैं। She's happy. She enjoyed her first flight. Anna, baby, Chuna, you enjoyed your first flight? Yes. Good girl. अभी गाइज हम लोग कर रहे हैं अपने बैग कलेक्ट, और पापा के SBI से उनके मेंबर्स आए हैं, वो हमें हेल्प करेंगे यहाँ से ड्रॉप करने में भी, और वही लोग हेल्प कर रहे हैं हमारा बैग कलेक्ट करने में। गाइस मेरा और शनाया के फर्स्ट टाइम है अमृतसर एयरपोर्ट में। शनाया भी पहली बार आई, मैं भी पहली बार एयरपोर्ट आया, अमृतसर एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम आया मैं। इससे पहले मैं कई बार अमृतसर आया बट तब कॉलेज में थे तब वहाँ से आते थे। इस बार फर्स्ट टाइम आए हैं एयरपोर्ट अमृतसर विद फैमिली। मैं SBI के फ्रेंड से मिलते हैं, वो हमें रिसीव करने आए हुए हैं यहाँ। अगर आप कभी भी गाइस एयरपोर्ट आते हैं यहाँ से, देखो फ्री बस सर्विस है टू गोल्डन टेम्पल। मैक्सिमम लोग अमृतसर आते हैं उस लिए गोल्डन टेम्पल के लिए। देखो अंकल खड़े हैं बोर्ड लेके, फ्री बस सर्विस टू गोल्डन टेम्पल। सो गाइज एक ये गाड़ी अपनी और एक ये गाड़ी अपनी, ये दोनों गाड़ियां जो है पापा के फ्रेंड जो है ये इन्होंने अरेंज करी है हमारे लिए। तो अमृतसर में ये गाड़ियां हमें घुमाएंगी आपको।